नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। लो जी, कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। केंद्रीय कर्मचारियों को इस तारीख को मिलेंगे बकाया एरियर के 2,18,000 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में बकाया एरियर का पैसा कब डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगी 18 महीने के एरियर को लेकर चिंतित है जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। सरकार पर कर्मचारियों का जबरदस्त दबाव है और 18 महीने के एरियर का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में एक बैठक में स्टाफ साइड के महासचिव श्री कुमार ने 18 महीने के एरियर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत पेंशन समाज के सचिव माहेश्वरी ने भी सरकार को 18 महीने की अवधि देने का आग्रह किया। सरकार ने बजट सत्र में माना कि कई कर्मचारी संगठनों ने डीए बकाया जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कह दिया था कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर अभी जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कर्मचारी 18 महीने के बकाया डीए एरियर को अपना वेतन और अपना हिस्सा मानते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के आधार पर कर्मचारी पेंशनभोगियों को डीए भुगतान रोकने का आदेश दिया, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की राशि आएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से डीए और डीआर में 2% बढ़ोतरी की घोषणा कर्मचारी पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी थी, लेकिन 18 महीने के एरियर का मामला कर्मचारियों को दुखी करने वाला था। दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव में बजट पेश होने जा रहा है जिसमें कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है जिसे कर्मचारी के खाते में मोटी रकम आना तय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।